मैं बहुत ही आदर के साथ सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत संभाषण के लिए बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी पौतिक 2023 के आज सप्तम दिन मंच पर विराजमान पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश चंद्र जोशी जी, मुख्य संयोजक आदरणीय श्री टी एस मनराल जी, संयोजक आदरणीय श्री के एन चंदोला जी, महामंत्री और जो इसका सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय महेंद्र सिंह रावत जी, श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी पूर्व पार्षद और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, श्री प्रमोद सिंह राजन जी पार्षद, श्री राजेश सिंह गब्बर जी पार्षद, श्री शैलेंद्र राय जी मंडल अध्यक्ष, श्री पीसी पंत जी, श्री हरीश खांडपाल जी, श्री भुवन पांडे जी जहाँवासी, श्री महेंद्र सिंह मेहता जी और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इतना सुंदर आयोजन, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां, सही बात है। मैं अभी कह रहा था मनराल जी और जोशी जी से कि मुझे भाषा नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आनंद बहुत आ रहा था। 1.5 दशक से अधिक समय हो गया इस आयोजन को होते हुए और पिछले 9 वर्षों से मेरा आना लगातार होता है। 1 वर्ष शायद कोरोना में यह आयोजन नहीं हुआ था और 9 साल से कोई भी बाधा नहीं हुई। बड़ी प्रभु कृपा है कि मैं इसमें शामिल होता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर हूँ या कभी बीमार हूँ या कोई अन्य व्यस्तता है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये भौगोलिक रूप से अलग राज्य भले ही बन गए हों, लेकिन आत्मा एक है। अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका अनुभव वहाँ होता है, वहाँ कुछ होता है जोशीमठ की आपदा है तो दर्द यहाँ हमें होता है। मित्रों, इतना सुंदर आयोजन प्रतिवर्ष आप करते हैं और मैं हर बार ये कहता हूं कि स्वयं संसाधन जुटाते हैं, स्वयं ही कितने सुंदर सुंदर आयोजन, अभी कल्याणपुर शाखा, विकास नगर शाखा, तेलीबाग शाखा, ये सबने अपनी प्रस्तुतियां की और कितने अच्छे ढंग से उसका कैसे काफी पहले से रिहर्सल करते हैं। हमारे सभी बच्चे, हमारी माताओं बहनों का बड़ा योगदान है इसमें। मैं सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद पूरे आयोजक मंडल को इतने अच्छे आयोजन के लिए। और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत भाषण नहीं होना चाहिए, मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय आशुतोष टंडन गोपाल जी का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी आत्मीयता को, अपने सहयोग को, अपनी सहभागिता को हम सबके बीच में रखा। और हम पुनः उनका आभार व्यक्त करने के लिए मैं